नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि। द वायर हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज है मैं यहाँ पंजाब स्थित पटियाला में, जो पंजाबी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे हम आज मौजूद हैं। यहाँ पे पिछले 18 दिनों से छात्र छात्राओं का प्रदर्शन चल रहा है और पिछले 8 दिनों से इस मांग ने जोर पकड़ा। 2 दिन से जो छात्र छात्राएँ हैं वो भूख हड़ताल पर हैं। इनके कुल 14 मांगे हैं जिनमें से 13 में सिर्फ सहमति बन गई है। बुनियादी जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं और साथ ही में लड़कियों के लिए हॉस्टल में आने जाने की जो आज़ादी है, इस तरह की कर्फ्यू टाइम्स को हटाने की, ये सारी मांगें इनकी हैं। लेकिन 14 में से 13 मांगों पे सहमति बन गई है, लेकिन सिर्फ एक मांग जो ये कहती है कि 24 घंटे महिलाओं को हॉस्टल के अंदर आने जाने की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, इस मांग पे अभी भी सहमति नहीं मिली है। हमने यहाँ के रजिस्ट्रार से बात की, स्टूडेंट से बात की। स्टूडेंट्स का कहना है कि उनका अधिकार है एक वयस्क महिला होने के नाते कि उनको लड़कों के बराबर ही महिलाओं को भी यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में कभी भी आने जाने की सुविधाएं मिलनी चाहिए। यूजीसी का नियम भी यही कहता है कि किसी भी संस्थान में लड़कियों और लड़कियों के लिए भेदकारी नियम नहीं हो सकते। संविधान भी यही कहता है, लेकिन जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो इस बातों को नहीं मान रहा है और इसी को लेकर इस समय देश भर में कई विश्वविद्यालयों में ये मांग उठी हुई है। मैं ममता BPT 4th year की स्टूडेंट हूँ और आज मेरी 100 स्ट्राइक का जो है वो 3rd दिन है और हमारा यहाँ स्ट्राइक पे बैठे हुए बहुत दिन हो गए और अथॉरिटी का जो हमको लेके रवैया है वो बहुत ही गंदा रहा है। स्ट्राइक के 8वें दिन वाइस चांसलर ने हमारी पहली मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में उनका क्वेश्चन ये था कि आप लोगों की डिमांड्स क्या हैं। यहाँ तक कि हमारे आधे पंजाब को पता था कि पंजाबी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है संघर्ष लड़ रहे हैं और उनकी ये डिमांड्स हैं और हमें अथॉरिटी को बस यही वार्निंग देनी है कि हमारी डिमांड्स बिल्कुल जायज़ हैं। हालांकि अभी अथॉरिटी ने स्ट्राइक के 15वें 16वें दिन ये भी मान लिया था कि इनकी जो डिमांड्स हैं वो जायज़ हैं, तो अगर हमारी डिमांड्स जायज़ हैं तो इन्हें पूरा करो और हम ये स्ट्राइक तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक हमारी डिमांड्स हैं पूरी नहीं हो जाती। मेरा नाम अमनदीप कौर है, मैं जहाँ पर BA सेकेंड ईयर ऑनर्स पंजाबी की स्टूडेंट हूँ। हमारा आज भूख हड़ताल का 3rd दिन है और अथॉरिटी ने अब तक हमारी कोई मांग नहीं पूरी की है। अब भी अथॉरिटी से मीटिंग चल रही है, उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है और हम तब तक अपनी स्ट्राइक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की जाती और हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मेरा नाम गुरमीत सिंह है, मैं उर्दू डिपार्टमेंट में से हूँ और हमारा जो यहाँ पर पिछले 15 दिनों से स्ट्रगल चल रहा है उसमें से हमारी कुल 13 डिमांड्स थी, जिनमें से हमारी जो कि हॉस्टल टाइमिंग्स को छोड़कर बाकी सभी डिमांड्स पर अथॉरिटी की है जो सहमति हो चुकी है और अभी जो हॉस्टल टाइमिंग की डिमांड है उस पर अभी अथॉरिटी का कोई मतलब कि रवैया अभी ठीक नहीं आ रहा है और जो डिमांड्स को लेकर हम पिछले 1 हफ्ते से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं और हम तब तक अजय स्ट्राइक पर रहेंगे कि जब तक हमारी ये डिमांड पूरी नहीं की जा सकती। जैसे कि समाबंदी का एक मामला है तो हमने उसको टोटली हटाने की बात की है। वो 2016 में भी की थी, अभी 2018 में भी हम लोग कर रहे हैं उसके साथ। और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो रूटीन के मामले में आपके यहाँ पे जो वुमेन स्टूडेंट्स हैं उनके डेली लाइफ के स्टेप बाय स्टेप उनको ये दिखाती हैं कि आप लोग स्टूडेंट नहीं हो, आप किसी एक कैद में या आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। जैसे कुछ चीजें बात कर सकते हैं कि अगर 8 बजते ही आपको कितना भी जरूरी काम क्यों ना, आपको कल को एग्जाम हो, अगर आप रीडिंग रूम में बैठे हो तो पहले 10 मिनट पहले जब भी कोई लड़की अपनी टाइम देखती है तो वो एकदम पूरा अनकंफर्टेबल हो जाती है, तो उसके लिए भागना पड़ता है हॉस्टल की तरफ कि अगर नहीं गए तो पता नहीं कितनी बड़ी सजा हो, तो उसके लिए फाइन है। अगर आप हॉस्टल के अंदर चले गए उसके बाद अटेंडेंस देना है, अटेंडेंस भी आपको खुद ही देना है। अगर आपका रूममेट अटेंडेंस देता है हॉस्टल के अंदर होने के बावजूद तो फिर भी आपको फाइन लगता है। अगर आप ब्लू पेन के बजाय ब्लैक पेन से अटेंडेंस देते हो तो भी फाइन लगता है। आपको अगर बर्थडे सेलिब्रेट करना है
तो उसके लिए फाइन है। सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लड़की को एज अ इंडिविजुअल उसे एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट नहीं करते और हमें लगता है कि हमेशा ही उनका कोई ना कोई गार्डियन होता है। अगर घर पे है तो पेरेंट्स है, अगर यहाँ है तो अथॉरिटी है, अगर वो मैरिज के बाद है तो उसके हस्बैंड है, हस्बैंड के बाद उसके जो बच्चे हैं वो होंगे। तो इसी से निकल पाता है कि जिससे हमें लगता है कि लड़की अपना जो डिसीजन है वो खुद नहीं ले पाती। और उसमें हमारी इंडियन सोसाइटी एक लंबी सोशलाइजेशन है जिसमें औरत को इसके काबिल नहीं समझा जाता कि आप ये डिसीजन अपने तर्क से ले सकते हैं और इसी से वो प्रेशर करने के साधन निकल। इससे साफ समझ में आ रहा है कि लड़की को समझा क्या जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो औरत नहीं है, उसको इंसान का दर्जा नहीं दिया जा रहा। जब तक वो पैदावार के साधन मालिक नहीं होगी, पैट्रियार्की को नहीं तोड़ा जाता, तब तक उसकी प्यारी नहीं होगी। ये जो संघर्ष है ये उसे चैलेंज है, उस पैट्रियार्की को तोड़ रहा है। ये इक्वालिटी का मसला है और आगे तक नहीं जाएगा और जब तक ये डिमांड नहीं सॉल्व होती इसको हम आगे तक लेके जाएंगे लड़ी। तो हम देख रहे हैं किस तरह से पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में और साथ ही में इसी के साथ देश के इस समय बहुत सारे विश्वविद्यालयों में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल, भुवनेश्वर, अजमेर, केरल के कोट्टायम और साथ ही में हिदायतुल्ला नेशनल यूनिवर्सिटी रायपुर, इन सब जगहों पे लड़कियों ने एक तरह से एक अभियान चलाया है और ये जो उनकी बराबरी की लड़ाई है उसका मोर्चा खोला है और वो ये जो यूजीसी का नियम है जो संविधान में लिखा है उसको सच में लागू करवाना चाहती है। और अब ये जो पूरा हॉस्टल की समस्याएं हैं, जिस तरह से लड़कियों पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं उसके खिलाफ उन्होंने ये लड़ाई शुरू की है और हर जगह ही लड़कियां ये बोल रही हैं कि अगर लड़कों को अधिकार है कि वो कभी भी हॉस्टल से आ जा सकते हैं तो सुरक्षा का हवाला देके उनसे ये अधिकार कैसे छीना जा सकता है। इसी के साथ मैं सृष्टि द वायर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।